हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्ना ट्यूटोरियल्स। मैं हूं डॉक्टर वान्या श्रीवास्तव और आज का जो मेरा वीडियो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लास्ट वीडियो जो मेरा था वो साइटोप्लाज्म के बारे में था और आज मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो होता है जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज को, जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं जिनके, वो इंक्लूड करता है। मतलब दोस मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज विच आर कोऑर्डिनेटेड इन देयर फंक्शंस। इसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे से सिमिलर होते हैं या कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो हम इस वजह से इनको एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER जो होता है वो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड एंड इंटर कम्युनिकेटिंग ब्रांच ट्यूब्यूल्स का, जो कि 40-70 नैनोमीटर इन डायमीटर होती हैं और स्कैटर्ड होती हैं साइटोप्लाज्म में। सो बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, या इसमें वेसिकल्स और सिस्टर्ने भी हो सकते हैं। सो ER कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। सो इसमें आपको ये तीन पार्ट्स रिमेंबर करने होंगे। ER बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री पार्ट्स। सो अब जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 40-70 नैनोमीटर इन डायमीटर होती हैं और ये मेन पार्ट होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये ब्रांच नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं और इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वेसिकल्स एंड फ्लैटेंड सैक्स विच आर कॉल्ड सिस्टर्ने। जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने कहते हैं। अब इसमें आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा, कीथ रॉबर्ट्स पोर्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से। जब इन्होंने व्यू किया था तब इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी ऑर्गेनेलीज की डिस्कवरी हुई है बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद ही हुई है। नाउ द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल होती है दैट इज सिमिलर टू द वॉल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड मोजैक मॉडल, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था उसके फॉर्म में, बट इट इज समवट थिनर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अराउंड 60 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक, समवट थिनर, 70 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास की जो थिकनेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है और 60 आर्मस्ट्रॉन्ग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल की होती है। इट जॉइंस ऑन वन एंड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑन द अदर एंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में ओपन नहीं होता है, ये एक एंड इसका न्यूक्लियस से ज्वाइन होता है और दूसरा एंड इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, सो ये ओपन होगा यहाँ पे टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूब्यूल्स हैं और आगे हम आपको बताएंगे सिस्टर्ने और वेसिकल्स के बारे में भी। सो इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब है जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का मतलब है इन द साइटोप्लाज्म। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो दिस इस रीजन में वो होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा ल्यूमिनल। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो रीजन्स में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और जो नैरो कैविटी होती है एनक्लोज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिन के नाम से भी जानते हैं और ये फिल्ड होती है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से जो कि फ्लूइड फॉर्म में होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट हम आएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ऑन द आउटर सर्फेस। सो जो जब राइबोसोम्स अटैच होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें राइबोसोम्स को अटैच कर दें तो ये हमारा रफ ER बन जाएगा।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं. दिस जनरली अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड व्हेन सेल्स आर डिसरप्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोसोम्स फॉर्म करता है. यानी कि जब बीच में डिसरप्ट हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स तो वो माइक्रोसोम्स को फॉर्म करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है एग सेल्स में, एम्ब्रियोनिक सेल्स में और मैमेलियन आरबीसीज में. फ्रेंड्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो बेसिकली 60S यूनिट राइबोसोम की अटैच होती है और वो टू प्रोटीन्स की हेल्प से होती है, राइबोफोरिन्स 1 एंड 2. इसका बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है राइबोफोरिन्स 1 एंड 2 की हेल्प से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. ठीक है, दिस इज दीज आर द न्यूक्लियर पोर और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आप जो देख रहे हैं दीज आर द राइबोसोम्स अटैच टू इट. तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे जो इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये स्मूथ ER होता है. ये समटाइम्स स्कैटर्ड भी होता है साइटोप्लाज्म में और बेसिकली ये लाइक जहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है. सो ये दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समटाइम्स इट इज फाउंड स्कैटर्ड इन द सेल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज ट्यूब्यूल्स. जैसे कि सेल में ये होते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो ये स्मूथ ER होंगे और इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे. नाउ अब हम आते हैं फंक्शंस पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस होते हैं. सो नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट सेल को फॉर्म करता है या साइटोस्केलेटन का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है और ये मेजर साइट होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कुछ वेसिकल्स सेक्रीट आउट करता है जिससे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल्स फॉर्म होती हैं. सो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में. इसमें गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वेसिकल्स का. वेसिकल्स बेसिकली एंजाइम्स कैरी करते हैं और ये गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है इन वेसिकल्स को, इन एंजाइम्स को मॉडिफाई करने में और इसको कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट करने में. सो ये बेसिकली वेसिकल्स गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की, एंडोसोम्स की और लाइसोसोम्स की वेसिकल्स भी फॉर्म करता है और मेजर फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड फॉर्मेशन होता है. सो अब जो पहले हम आएंगे फंक्शंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में. सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमने आपको बताया इसका जो 60S यूनिट होता है वो अटैच होता है राइबोसोम्स. 60S यूनिट राइबोसोम का अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. अब ये मेजर साइट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस की. यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. तो जो एंजाइम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स कुछ चेन से लिंक हो जाते हैं जिससे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. ये एक प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं. सो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन ऑल्सो अकर्स इन मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जो ग्लूकोज के साथ प्रोटीन्स का कंबाइन करते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. अब इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स. इसमें एक स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, प्रोटियाजोम्स. ये प्रोटीन डिग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. यानी कि जो प्रोटीन्स
कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती हैं या ठीक तरह से फॉर्म नहीं होती हैं, वो प्रोटीन्स को ये स्ट्रक्चर्स रिमूव कर देते हैं. सो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स भी सेल में मेंटेन हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से. अब हम आएंगे फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. अब इसमें लिपिड का फॉर्मेशन होता है. इन सर्टन स्पेशलाइज सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है और उसमें बहुत सारे ब्रांच नेटवर्क होते हैं टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस ऑल्सो. सम बेसिक फंक्शंस तो परफॉर्म करता ही है और कुछ एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कुछ स्पेशलाइज सेल्स में. जैसे कि हम लिवर सेल्स की बात करें या फिर हम एडिपोज टिश्यू सेल्स की बात करें तो इन सेल्स में ये कुछ एडिशनल फंक्शंस भी फॉर्म करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है. जैसे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है एडिपोज टिश्यू सेल्स में या बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स एंडोक्राइन सेल्स में या फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से जो स्टेरॉयड हार्मोन्स फॉर्म होते हैं एंडोक्राइन सेल्स में उसमें ये हेल्प करता है. अब इसका थर्ड फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लिवर सेल्स में. जैसे कि मैंने बताया था ये भी एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है. सो ये हेल्प करता है ग्लाइकोजेनेसिस में और ग्लाइकोजेनोलिसिस में. ग्लाइकोजेनेसिस आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का. जहां पे भी वर्ड सिस आ रहा है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन और जहां पे भी वर्ड लिसिस आ रहा है उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन. सो ग्लाइकोजेनोलिसिस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. सो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत मेजर रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस. नाउ इन सेल्स ऑफ लिवर लंग्स और इंटेस्टाइनल एपिथीलियम की सेल्स में कुछ प्लाज्मा सेल्स में और कुछ लिम्फोसाइट्स में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्सीलेशन. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कुछ पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूवल ऑफ सर्टन पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस. इसमें कुछ जैसे कुछ कार्सिनोजेंस आ जाएंगे कुछ अल्कोहल आ जाएगा बारबिट्यूरेट सेडेटिव्स एट्सेट्रा जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती हैं या अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होंगी तो वो हार्म भी कर सकती हैं बॉडी को. सो ये हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होती हैं लिवर सेल्स में लंग्स की सेल्स में या इंटेस्टाइनल एपिथीलियम सेल्स में और सर्टेन प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स में भी. और ये हेल्प करता है कैल्शियम आयन रेगुलेशन में भी जो कि एक मेजर फंक्शन है मसल सेल्स में जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो हमने ये कंप्लीट कर दिया आपका आज का वीडियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.